हाल ही में उत्तर कोरिया की तरफ से मिसाइल परीक्षण किए जाने के बाद अमेरिका सतर्क हो गया है। वो खास तौर से अपने पश्चिमी किनारों पर मौजूद रक्षा ठिकानों को मजबूत बना रहा है। अमेरिका के मुताबिक उसने अपनी तैयारियों की समीक्षा भी शुरू कर दी है, जिसके तहत सैन्य ठिकानों पर नए मिसाइल विरोधी उपकरणों की तैनाती की जाएगी, जिनको टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी थाट कहा जाता है, ताकि अगर उत्तर कोरिया इन 7 ठिकानों पर किसी तरह का हमला करता है तो उसको समय रहते गिराया जा सके। हालांकि इस कार्रवाई से पहले अमेरिका ने उत्तर कोरिया को धमकी भी दी थी कि अगर युद्ध का खतरा पैदा होता है तो वो उत्तर कोरिया को पूरी तरह नेस्तनाबूत कर देगा। यही नहीं, अमेरिका ने सभी देशों से उत्तर कोरिया के साथ राजनयिक और व्यापारिक रिश्ते खत्म करने की अपील की थी। अब जब अमेरिका ने एहतियातन अपने पश्चिमी किनारों पर मौजूद रक्षा ठिकानों को मजबूत बनाने की कवायद शुरू कर दी है, तो इस बाबत आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के सदस्य और कांग्रेसमैन माइक रॉजर्स के मुताबिक मिसाइल डिफेंस एजेंसी यानी MDA पश्चिमी तटों पर मिसाइल सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करेगी। हालांकि इस व्यवस्था के लिए साल 2018 के रक्षा बजट में कोई प्रावधान रखा नहीं गया है। आपको बता दें कि मिसाइल डिफेंस एजेंसी अमेरिकी रक्षा विभाग की एक इकाई है। माइक रॉजर्स ने हालांकि ये जानकारी नहीं दी कि एंटी मिसाइल व्यवस्था कहां कहां की जाएगी। बता दें कि टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम के जरिए छोटी मध्यम दूरी के मिसाइल हमले को नाकाम किया जा सकता है और इसे इंस्टॉल करने में सिर्फ कुछ हफ्तों का ही समय लगता है। दक्षिण कोरिया और गुआम में थाट पहले से तैनात है। इसके अलावा अमेरिका के पास दूसरे थाट हैं। गौरतलब है कि अमेरिका से पहले दक्षिण कोरिया ने भी उत्तर कोरिया की तरफ से हमले की आशंका को देखते हुए अपने रक्षा ठिकानों की हिफाजत के लिए टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी थाट तैनात किया हुआ है। दक्षिण कोरिया ने ही बीते बुधवार को जानकारी दी थी कि उत्तर कोरिया ने एक नए तरह के अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM का परीक्षण किया है, जिसकी मारक क्षमता 13,000 किलोमीटर तक की है और इस मिसाइल की जद में अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला TV, नई दिल्ली।